हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अरसलान है, ये मेरा चौथा व्लॉग है। हम जा रहे थे ज़रा बर्गस बार और आप वहाँ का लेवल चेक करें। ये रेस्टोरेंट मैंने फेसबुक पे देखा था और ये फेमस है अपने बड़े, काफ़ी ज़्यादा बड़े जिंगर बर्गर के लिए। तो ये है एक्चुअली गुलशन मार्केट, एक जगह है चौक कुम्हारा और अड्डे के दरमियान, इन बिटवीन न्यू मुल्तान कहते हैं उस एरिया को, तो वहाँ पर। और एक मार्केट है, फूड मार्केट ही है बेसिकली, तो वहीं पर ये भी है। तो देखते हैं वहाँ जाके कि क्या माहौल है। तो ये है फर्स्ट सीन, दिस इज़ द प्लेस। तो फिलहाल अभी ये स्टार्टअप है तो काफ़ी छोटा है और ये लगाया हुआ है, पेपरिंग की हुई है। तो बैठते हैं और देखते हैं मेन्यू में क्या कुछ है। देयर मेन्यू वाज एक्चुअली वेस्ट, काफ़ी सारी डिशेस थी इसके अंदर, बहुत सारे बर्गर, सैंडविचेस, फ्राइज। एक्सक्यूज मी सर, ये आपकी जो बर्गर हैं इनमें कौन कौन सी क्या स्पेशलिटीज हैं? सुप्रीम स्पाइसी होता है जी? सुप्रीम ही कर लेंगे। चलें एक सुप्रीम ऑर्डर करते हैं और एक मॉन्स्टर जी बर्गर। जी सर, ठीक है, ओके। और कोई ऑर्डर सर? बस सर, ओके सर। वॉल्स की पेपरिंग काफ़ी कमाल थी और जोन सी सेकेंड वॉल के ऊपर लगा हुआ था शिप, वो थोड़ा थोड़ा जैक स्पैरो की याद दिलाता था बस। हाँ तो गाइस, हम ऑर्डर कर लिए हैं और अब हम जाते हैं किचन के अंदर और देखते हैं कि वहाँ का क्या सीन है। और किसी भी बर्गर को बनाने के लिए कैबेज ज़्यादा बेस यूज होती है, बेशक वनडे वाला बर्गर हो या सिंगल बर्गर। So, the stuffed chicken burger is actually stuffed with flavored cheese. This cheese can be capsicum, mozzarella, chunks, or olives, green olives, black olives, so kind of crushed it up. Now, yes, the same commons. Then, the chicken is egg washed. Now, फिर इसको मैदे के अंदर flip करते हैं to give it a crunchy taste. फ्राइड चिकन को ऊपर रख के उसके ऊपर दोबारा से गार्लिक मेयो की ड्रेसिंग की जाती है और उसके बाद एंड के ऊपर थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस टू गिव इट अ नाइस स्पाइसी टेस्ट और फिर बर्गर रेडी हो जाता है। सो बर्गर की ड्रेसिंग के लिए गार्लिक मायो को स्प्रेड किया जाता है टोस्टेड बन के ऊपर। बन के ऊपर फर्स्ट चिकन का फिलेट रखा जाता है और उसके ऊपर स्लाइस चेडर चीज़ को स्प्रेड करते हैं, मतलब एक स्लाइस होता है वो ऊपर ऐसे डिपॉजिट हो जाता है, आप वीडियो में देख ही रहे हैं। उसके बाद सेकेंड चिकन फिले को रखते हैं, ये दोनों फिले जो हैं ये क्रंच होते हैं, इनके ऊपर क्रंच लगाते हैं जो सिंगर, फॉर्मल सिंगर बर्गर होता है उसी की तरह। के बाद इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गार्लिक मेयोनीज डाली जाती है। एंड
कम्स द थर्ड चिकन फिलेट, इसके बाद बड़ा सबसे बड़ा जिंगर बर्गर ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। तो फिर से एज अ टॉपिंग बहुत सारी गार्लिक मेयोनीज इसके ऊपर पोर की जाती है, जो कि साइडों से ऐसे नीचे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में नीचे गिरती है और कमाल लगती है। एंड हियर कम्स द फाइनल थिंग, और आप स्टफ्ड चिकन बर्गर की चीज मोल्टन को बाहर निकलते देख ही रहे होंगे ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है श्याम सजाद है, मैं अरसलान का बड़ा भाई हूँ। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में इसके साथ साथ पहले तो मैं नहीं आया, लेकिन जब बर्गर था तो मुझे आना ही पड़ा, तो हमने फिनिश कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर था, तो ईच एंड एवरी थिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी, क्वान्टिटी क्वालिटी बहुत मज़े के बर्गर थे। सही बताऊँ तो चीज़ स्टफ बर्गर बहुत ही मज़े का था। ठीक है, वो जो दूसरा बर्गर था उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, लेकिन चीज़ स्टफ बर्गर बहुत ही ज़बरदस्त। आप जरूर रहिएगा यहाँ पे, विजिट कीजिएगा। बाकी टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह। हाँ तो भाई, भैया जी का रिव्यू तो आपने देख लिया, तो मेरा रिव्यू एक्चुअली इसके बारे में ये है कि जो था चीज़ स्टफ बर्गर, वो जी बर्गर, जो मैक जी बर्गर मतलब बड़े वाला जी बर्गर, उससे काफ़ी बेटर था, लेकिन क्वान्टिटी वाइज अगर देखें तो जी बर्गर वॉज बेस्ट, और क्वालिटी वाइज स्टफ बर्गर बहुत बेस्ट। तो बड़ी मुश्किल से खत्म किया, बहुत ही ज़्यादा हैवी था चीज़ स्टफ बर्गर, तो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हैवी था ना, क्वांटिटी ज़्यादा थी दूसरे की, लेकिन इसकी क्वालिटी और हैवी मतलब दिल दिख करने वाला जैसे कहते हैं ना, तो उस टाइप का था। मतलब एक खाना आम बंदे के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो ज़रूर विज़िट करें, और जगह का आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मज़ीद ये कि अगर कोई रेफरेंस चाहिए तो ये गुलशन मार्केट है न्यू मुल्तान के अंदर, वहाँ से राइट साइड पे ऑलमोस्ट 200 मीटर्स अवे है, तो प्लीज़ चेक करें। इटालियन पिज़्ज़ा के साथ ही है बर्गर्स बार के नाम से। तो ठीक है फिर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अगर कोई भी आप अच्छी जगह बताना चाहते हैं जहाँ हम जाके विज़िट करें तो प्लीज़ कॉमेंट में मैंशन करें। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय। और हाँ, एक और बात, कोई भी अगर इस रेस्टोरेंट पे आता है और हमारा नाम लेता है, मतलब मेरे ब्लॉग के चैनल का नाम लेता है अरसलान सजाद, और उनको ऑर्डर करता है, तो वो आपको 10% डिस्काउंट ऑफर करेंगे।